हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हुदाबशना रेसिपीज़। आप सब कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैंने बनाया है ये चॉकलेट पैनकेक। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे फरमाइश करी थी कि मुझे चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी बना के बताइए, तो मैंने सोचा क्यों ना, न्यू ईयर का वीक भी चल रहा है, दिसंबर का लास्ट है, बच्चों की भी छुट्टियाँ हो गई थी और मेरे सब्सक्राइबर की भी फरमाइश थी, तो आज मैंने उसका फरमाइश पूरा कर दिया है। तो और ऐसे ही आप लोग फरमाइश करिए, मैं आपके कहने से जो आप रेसिपी बताएंगे मैं बनाती जाऊंगी, ठीक है? तो अब मैंने ले लिया है, एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। आप मैदे की जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कि गेहूँ का आटा। ज़रूरी नहीं है कि आप मैदा डालें, मैंने मैदा लिया है। और 1/2 कप ये चोको पाउडर है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ये कंपनी अच्छी होती है या वो कंपनी। ये शुगर है, नॉर्मल शुगर को मैंने मिक्सर में पीस लिया था। अब इसको मैं इसमें अच्छे से मैश कर दूंगी। एक्चुअली में हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान डालते रहते हैं और इसको अच्छे से घुमाते रहते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा ये मटेरियल है वो सब अच्छे से मिले, और स्टार्टिंग में ही हम पानी या अंडा नहीं डालेंगे। अब मैंने 1 अंडा डाला है, आप चाहे तो अंडे को स्किप कर सकते हैं। जो एगलेस बनाते हैं जो लोग पैनकेक, तो अंडा नहीं डालते हैं, तो अगर आपको एगलेस खाना है तो आप अंडा ना डालें। अब मैंने ये 1 से 1.5 कप का ये मेरा जार था, तो मैंने कम से कम 1.5 कप दूध है, वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें बैटर को पतला नहीं करना है, एक थिक बनाना है कि अच्छा सा पैनकेक तैयार हो। अब इसको अच्छे से हम लोग घुमाते रहते हैं, क्योंकि इसमें लम्स भी नहीं पड़ने चाहिए। ये चला गया। अब इसमें ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर भी बहुत ज़रूरी नहीं है चॉकलेट पैनकेक के लिए, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप डालेंगे तो यकीन मानिए टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। देखिए गाढ़ापन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इतना गाढ़ा आप रखिएगा कि पैन में जाते ही जो आपका जो पैनकेक है वो फैलेगा नहीं खुद से। हम सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अगर डालते हैं तो लास्ट में ही डालेंगे, हो सके तो जब आपका पैन गर्म हो जाए तब आप डालें। तो मुझे आपको दिखाना था और मैं थोड़ा गैस से थोड़ा दूर थी, तो मैंने यहीं पर आपको बना के दिखा दिया। अब इसकी थिकनेस आप खुद देख लीजिए, और जब आप बेकिंग सोडा और पाउडर डाल लेते हैं तो बहुत देर तक आप बैटर को नहीं रखेंगे, आपको फौरन ही उसको बनाना होगा। अब ये मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा चिन्नू सा बटर डाला है, और उस बटर को मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है, क्योंकि मैंने पैनकेक में भी बटर डाला था, मैं बताना भूल गई थी पहले, मैंने बटर भी 2 टीस्पून डाला हुआ है उसमें। अब इसमें मैंने क्या किया है, बस बटर तवे में डाला और उसको टिश्यू पेपर से पोंछा और बैटर डाल करके ढक दिया है। इस बैटर को बनने में कम से कम 5 से 10 मिनट से कम ही टाइम लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर का कच्चा है, चमक रहा है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए मेरा पैनकेक नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो परफेक्ट है। तो ऐसे ही अलट पलट के हम लोग पैनकेक को अच्छे से बना लेते हैं। तो मैं ऐसे ही करके और भी 1-2 पीस आपको दिखा दूँगी। ये अंदर से बिल्कुल स्पंजी हैं और एकदम ड्राई हैं, ज़रा सा भी कच्चापन नहीं होगा, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं कैसे पैन में फैला रही हूँ, बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे। और मैं आगे चलकर मैं आपको डोरा केक बनाना भी लास्ट में दिखाऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, कि डोरा केक कोई अलग से स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल इसी पैन केक के साथ में क्रीम लगा दी जाती है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लास्ट तक बने रहिए। और मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट्स का। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि केक बिल्कुल जालदार बना है, कहीं से भी कच्चा नहीं है, बस इसको अच्छे से धीमी आँच में हमको सेकना है, तेज़ आँच करेंगे तो ये जल जाएगा। अब ये इसको हम डेकोरेट कर देंगे। हमने देखिए कैसे डेकोरेट किया है, चॉकलेट सिरम
आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसको हमने डाल दिया है थोड़ा सा, हम स्ट्रॉबेरी लेकर के मैं आई थी तो मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा खाने इन सब चीज़ों में रौनक आ जाती है जब हम इनको डाल देते हैं। तो इस तरीके के मैंने इसमें चॉकलेट सिरम डाल दिया है। चॉकलेट चिप्स अगर आपके पास हो, या आप ये चॉकलेट पाउडर भी आप इसमें छिड़क सकते हैं, जिस तरीके से आपको डेकोरेट करना हो आप कर सकते हैं। तो ये तो बन गया है बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट पैनकेक, जो कि मेरे बच्चों को तो इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। मेरी छोटी वाली, मेरी लिटिल जान, वो तो अभी देखिएगा, वो तो एकदम उसको बहुत अच्छा लग रहा था खाने में और उससे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कैसे उसको रोका है ये मैं कैसे बताऊँ। ये देखिए आ गई है खाने के लिए, इन्होंने खा लिया है, और देखते हैं कैसे कैसा लगता है इनको। इनके एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि कैसा बना है। लाइक मिल गया है, पहला लाइक मेरी बेटी की तरफ से, और अब आप भी लाइक कर लीजिएगा। अब ये मैंने बनाया है, ये डोरा केक है। ये मेरे पास कुछ विप क्रीम मेरे फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने एक बार केक बच्चों के लिए बनाया था तो मैंने उसी का यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा घर में विस्प कर लिया, और बस एक लेयर विप क्रीम की लगा दी है उसके ऊपर, और नीचे ये पैनकेक रख दिया है। अब मैं डेकोरेशन के लिए चॉकलेट पाउडर छिड़क रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें अभी शुगर पाउडर भी छिड़कूँगी, यानी कि कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर कोई सिंपल सी घर की पिसी हुई शक्कर को ही कहते हैं, वो बस एक नाम दे दिया गया है कैस्टर शुगर, तो मैं तो घर में ही पीस लेती हूँ, और मेरी आदत है कि मैं हमेशा ये सब चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ। तो आप ख़ुद बताएं कैसा लगता है मेरा वीडियो, और मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भी सक्सेस पाना चाहते हैं, हम लोग भी कामयाब होना चाहते हैं। तो आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो ज़रूर बताएं। मैंने अपने चैनल में बनाना पैनकेक भी बनाना बताया है, तो उसको भी जा कर के देखें, और भी मेरी वीडियोज़ मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है, और रमज़ान भी आने वाला है तो रमज़ान की तो मेरे चैनल में बहुत 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 सारी वीडियोज़ हैं, स्नैक्स की बहुत सारी हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये हमारा बन गया डोरा केक। अब आप भी घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, और मज़े से इंजॉय करिए ठंडक को, क्योंकि ठंडक में ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई थिंक वैसे हमेशा अच्छी लगती हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर